गुजरात के वलसाड़ में सोनिया ने की रैली, मोदी के विकास के दावों को बताया झूठा। सोनिया का मोदी पर हमला, कहा गुजरात को स्वर्ग नहीं केवल सत्ता पाना चाहते हैं मोदी। और सबसे चुकाने वाली बात यह है कि रोजाना 11 रुपए से ज्यादा कमाने वाले को गुजरात सरकार गरीब नहीं मानती है। आप बताइए कि क्या यह स्वर्ग है या कुछ और है? इन्हें सिर्फ खुद की कुर्सी का ध्यान है, इन्हें गरीबों से आपसे कोई लेना देना नहीं। सोनिया का आरोप, गुजरात सरकार पर 2.25 लाख करोड़ का कर्ज, कई गांवों को नहीं मिलता पीने का पानी। सोनिया का आरोप, 5 साल से कम उम्र का हर दूसरा बच्चा गुजरात में कुपोषण का शिकार, स्कूल ड्रॉपआउट्स की तादाद भी सबसे ज्यादा। वलसाड़ के सोनिया के आरोपों का मोदी ने वडोदरा में दिया जवाब, सोनिया के तमाम आंकड़ों और दावों को बताया झूठा। मोदी के मुताबिक स्कूल ड्रॉप आउट गुजरात में केवल 2% तो कुपोषण से निपटने के गुजरात के फॉर्मूले को भी बताया सबसे बेहतर। मोदी ने कसा तंज, जैसे विदेश मंत्री ने पढ़ा था किसी और देश का भाषण, ऐसे ही मैडम सोनिया गुजरात में पढ़ गई किसी और राज्य का भाषण। गांधी की भूमि पर झूठ बोलने में पाप न करो मैडम, मेहरबानी करिए आप गांधी की भूमि पर झूठ बोलने में पाप न करो। मोदी ने राहुल पर भी सादा निशाना, कहा गरीबों के घर टूरिज्म के लिए जाते हैं राहुल, गरीबी के बारे में कुछ नहीं जानते। प्रियंका गांधी आज भाई राहुल के प्रचार के लिए पहुंचेंगी अमेठी, दिन भर ताबड़तोड़ सभाओं को संबोधित करेंगी प्रियंका। कुदवल, नरपतगंज, एहार, बन्नामाऊ और बेहट कला से प्रचार का आगाज करेंगी प्रियंका, दिन भर में 13 नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम। आज नरेंद्र मोदी के निशाने पर रहेगा पंजाब, ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता से मांगेंगे वोट। 30 अप्रैल को होनी है पंजाब में वोटिंग, 5 रैलियों को संबोधित करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, भटिंडा और अमृतसर में रैली करेंगे नरेंद्र मोदी। मोदी ने वाराणसी से भरा पर्चा, नामांकन से पहले सड़क पर शक्ति प्रदर्शन, 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। मोदी ने कहा भगवान ने उन्हें विशेष काम के लिए चुना है और काशी से लड़ने के लिए मां गंगा ने बुलाया। नामांकन के बाद जनसभा करने के लिए निकल पड़े नरेंद्र मोदी, बिहार के बाद वडोदरा में रैली। प्रत्येक मतदाता उम्मीदवार बने गए। मोदी के रोड शो का चुनावी इलाकों में प्रसारण पर कांग्रेस को एतराज, चुनाव आयोग से की शिकायत। कांग्रेस ने लगाया आरोप, चुनाव वाले इलाकों में वाराणसी रोड शो के प्रसारण से मतदान प्रभावित करने की कोशिश। बनारस में नामांकन पत्र दाखिल करने का, रोड शो का, नारे, स्पीचेस, बयान वो पूरे 117 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिखाई गई। इससे जो आचार संहिता है वो भी टूटी है और वोटर प्रभावित हुआ। चुनाव आयोग में शिकायत पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कांग्रेस ने जलन की वजह से उठाया ये कदम। वो अपना आपा खो बैठते हैं, बौखलाहट में क्या कहते हैं उनको ही खुद को समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं आज नामांकन दाखिल हुआ, उसका सीधा प्रसारण हुआ, तो एफआईआर होना चाहिए। अरे किस पर एफआईआर भाई? मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर मोदी के माला पहनाने का समाजवादी पार्टी ने किया विरोध, मूर्ति को 51 लीटर दूध से नहलाया। नरेंद्र मोदी के अशुभ मुहूर्त में वाराणसी से नामांकन भरने की भविष्यवाणी से बीजेपी में खलबली, भगवान शिव का करवाया गया रुद्राभिषेक। पुष्कर के ख्याति प्राप्त पंडित कैलाश नाथ दधीच ने की थी भविष्यवाणी, कहा नरेंद्र मोदी की राशि वृश्चिक है, चंद्रमा चौथा ठीक नहीं है जो अशांति का सूचक।
वाराणसी के हाई प्रोफाइल सीट से उसामा के हमशक्ल ने भरा पर्चा, बिहार के रहने वाले हैं हाजी मिराज खालिद नूर। तो चेहरा तो इंसान खुदा की कुदरत, हमारे का अशआर है, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह ही जो है वो इज्जत देता है, अल्लाह ही जिल्लत देता है। बिहार के छपरा में मोदी पर गर्जी, राबड़ी देवी, गिरिराज सिंह पर भी साधा निशाना। देश पर हावी हो गया है, इसीलिए कोई का जेल भेज रहा है, कोई का कुछ कर रहा है, कोई का पाकिस्तान भेज रहा है, कोई का कुछ कर रहा है, इसीलिए इसे घबराने की जरूरत नहीं है। इसको मुंह तोड़ जवाब देना है, लंकेन पर बटन दबा के, कांग्रेस के हाथ पर बटन दबा के और एससीपी को बटन दबा के, उसको जाना है देश छोड़ के, वो जाएगा, वो अपने भागेगा देश से और बिहार से भी। आज तक के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा पार्टी में नहीं है कोई विरोध। जासूसी कांड पर राहुल प्रियंका के आरोपों पर बोले अमित शाह, जांच रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, बोले जांच आयोग ने बुलाया तो जरूर जाऊंगा। गुजरात सरकार ने एक आयोग की रचना की है, न्यायिक आयोग है, उसका उसकी जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, बाद में मैं सब बताऊंगा आपको। लेकिन आप कमिश्नर के सामने जाने को तैयार हैं? कमीशन समन करेगा तो जरूर जाऊंगा मैं। लखनऊ में राहुल का रोड शो, रीता बहुगुणा जोशी के साथ खुली जीप में प्रचार। प्रियंका के बाद राहुल ने फिर जासूसी कांड के हथियार से किया मोदी पर वार, बोले लड़कियों का फोन टैप कराने वाले, क्या जाने महिलाओं का सम्मान। प्रचार अभियान के दौरान लोगों से सीधे जुड़ रही हैं प्रियंका, खेत में बैठकर स्थानीय महिला के साथ खाया खाना। प्रियंका ने माइक और मंच से किया किनारा, एक दिन में 15 नुक्कड़ सभाएं करने का फैसला। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने छेड़ी नई बहस, क्षेत्रीय दलों के संसदीय चुनाव न लड़ने की सलाह, बोले इससे खंडित होता है जनादेश। आज यूपी और आंध्र प्रदेश रहेंगे राहुल के रडार पर, दोनों राज्यों में राहुल की रैलियां। यूपी के झांसी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे राहुल गांधी, उमा भारती हैं झांसी से बीजेपी की उम्मीदवार। आंध्र प्रदेश के वारंगल और हैदराबाद में भी रैली करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुए गिरिराज सिंह, पुलिस ने घर और गांव में की रेड, नहीं मिला कोई सुराग। गिरिराज सिंह ने दाखिल की है अग्रिम जमानत याचिका, भाई ने बताया आज बोकारो कोर्ट में कर सकते हैं सरेंडर। अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया एलमी ने कहा अपने बयान पर नहीं है कोई पछतावा। रिग्रेट नहीं, मैं तो उसके बारे में और बात करूंगी, रिग्रेट किस बात का होगा, मैं तो अच्छी चीज कह रही हूँ ना, मैं तो कह रही हूँ कि मुसलमानों को बंधुआ मजदूर नहीं होना चाहिए। यूपी के कन्नौज में फर्जी मतदान को लेकर भिड़े बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता, दोनों तरफ से पथराव। गांव वालों के मुताबिक दोनों गुटों के बीच 3 राउंड फायरिंग, झड़प में कुछ लोग हुए घायल। यूपी के फिरोजाबाद में भी फर्जी मतदान का आरोप, महिलाओं की शिकायत, एसपी कार्यकर्ताओं ने वोट देने से रोका। यूपी के फिरोजाबाद में बूथ कैप्चरिंग के आरोपों पर भड़की हिंसा, पुलिस ने भांजी लाठियां तो लोगों ने भी की तोड़फोड़। बीजेपी उम्मीदवार कर रहे थे 3 जिलों में दोबारा वोटिंग की अपील, कार्यकर्ताओं के साथ सुभाष पार्क तिराहे पर बैठे थे धरने पर। रात 12 बजे कार्यकर्ताओं को हटाने पहुंची पुलिस ने किया लाठीचार्ज, पुलिसिया कार्रवाई पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पुलिसिया जीप को किया आग के हवाले, कई सरकारी बसों में की तोड़फोड़। बाद में पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शांत किए हालात, एक सीओ की सर्विस रिवॉल्वर भी हुई चोरी। छठे दौर में देश के 117 सीटों पर पड़े बम्पर वोट, पुडुचेरी में सबसे ज्यादा 83% मतदान। पश्चिम बंगाल में 82% वोटिंग की खबर, असम में 77% मतदान।
बिहार में 7 लोकसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में 60% मतदान, पिछले लोकसभा चुनाव से 7% ज्यादा। छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम दौर का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न, 66% मतदान दर्ज। छत्तीसगढ़ के 11 सीटों के लिए डाले गए वोट, 153 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में हुआ कैद। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने डाला वोट, कहा मीडिया ने बनाई मोदी की लहर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया मतदान, कहा यह है हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी। मतदान हर नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसके माध्यम से हम अपनी नई सरकार चुनते हैं। मैं ये मानता हूं कि चुनाव देश के भाग्य और भविष्य को बनाने वाला चुनाव है। इंदौर में बीजेपी उम्मीदवार सुमित्रा महाजन ने किया मतदान, कहा सभी 29 सीटें जाएंगी बीजेपी की झोली में। हेमा मालिनी ने भी किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल, कहा वोट देना है जरूरी। आईपीएल सीजन 7 में कोलकाता नाइट राइडर्स का जबरदस्त कमबैक, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को रोमांचक मुकाबले में 2 रन से दी मात। पहले खेलकर कोलकाता ने बनाए थे 150 रन, जवाब में 5 विकेट खोकर 148 रन ही बना पाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। बेंगलोर के लिए कप्तान कोहली ने बनाए 31 रन, युवराज ने बनाए 34 रन, मगर जीत की दहलीज पर पहुंचा कर भी चूक गए डिविलियर्स। सुनील नारायण और विनय कुमार ने की बेहतरीन गेंदबाजी, नारायण ने दिया 4 ओवर में केवल 17 रन, तो आखिरी ओवर में विनय कुमार ने की घातक गेंदबाजी। मैन ऑफ द मैच रहे कोलकाता के क्रिस लिन, केवल 31 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से बनाए थे 45 रन। आज आईपीएल 7 में खेले जाएंगे 2 मुकाबले, हैदराबाद से भिड़ेगा दिल्ली तो चेन्नई से होगी मुंबई की टक्कर। शाम 4 बजे दिल्ली से भिड़ेगी हैदराबाद की टीम, शाम 8 बजे होगी मुंबई और चेन्नई की टक्कर। हैदराबाद और मुंबई की टीमें अब तक नहीं खोल पाई है जीत का खाता, दोनों टीमों ने खेले हैं 2-2 मुकाबले। अब तक फेल रही है मुंबई के सितारों से सजी बल्लेबाजी, चेन्नई के खिलाफ बल्लेबाजों से फॉर्म में लौटने की होगी उम्मीद। दिल्ली की टीम को झटका, चोट के चलते नहीं खेल पाएंगे नाथन का अल्टर नाइल, लेकिन टीम में कप्तान पीटरसन की होगी वापसी। न्यूजर्सी में लगी भीषण आग में जलकर खाक हुए 50 से ज्यादा घर, जंगल में लगी आग की चपेट में आए थे रिहायशी इलाके। 200 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैली है आग, एहतियातन 250 लोगों के घर कराए गए खाली। बोलीविया के हजारों सैनिकों की हड़ताल जारी है, सैन्य सुधारों की मांग के लिए हड़ताल पर हैं सैनिक। चीन में जोरदार रेतीले तूफान के चलते उत्तर पश्चिमी हिस्से की कई उड़ानें प्रभावित, हवाई अड्डों पर फंसे रहे 1500 से ज्यादा यात्री। चीन में लॉन्स यनशेंग नाम का एक शख्स खाता है लोहे की कीलें, पूरी तरह से फिट है लॉन्ग, टाइल्स और कांच भी खाता है ये शख्स।